श्री सुदामा केसरी उर्फ लाला केसरी जी को भरनोरत गोल्डन मैन सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। गुमला के भरनो हरिजन मोहल्ला दुर्गा पूजा समिति के लगभग 200 परिवारों ने राम रेखा धाम और बाबा टांगीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। इस मौके पर हरिजन मोहल्ला के तमाम ग्रामीण बहुत ही हर्षित थे और राम रेखा धाम में भ्रमण कर भगवान श्री राम लल्ला का पूजा दर्शन किया। इस मौके पर तीन महान संतों का दर्शन और उनके आशीर्वचन भी हरिजन मोहल्ला के ग्रामीणों को मिला। पूज्य देवराह बाबा के सानिध्य रहे हरिद्वार दास जी महाराज, बद्रीनाथ से आए संत तुलसीदास जी महाराज एवं राम रेखा धाम के महंत उमाकांत प्रपन्नाचार्य जी महाराज का दर्शन ग्रामीणों को प्राप्त हुआ। इस मौके पर भरनो के सुदामा केसरी को भरनो रत्न सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। तीनों संतों के द्वारा शॉल देकर और भरनो रत्न गोल्डन मैन का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जो भरनो के लिए गौरव की बात है। सुदामा केसरी ने इसके लिए तीनों संतों का आभार व्यक्त किया एवं कहा कि उनके आशीर्वाद से वो आगे और ऊर्जावान होकर समाज के बीच काम करेंगे। इस मौके पर हरिजन मोहल्ला के समाज सेवी जगमोहन राम को एवं भरनो दक्षिणी की मुखिया को भी संतों के द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व भरनो दुर्गा मंदिर के आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा के द्वारा किया गया। डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा ने लोगों को कहा कि धर्म स्थापना के लिए संगठन जरूरी है और संगठन में ताकत होता है। सभी एकजुट रहे और भगवान के कीर्तन भजन के माध्यम से ही समाज में अमन शांति बहाल होगा। ऐसा तभी होगा जब इस तरह का धार्मिक प्रयास होगा। फिर भारती रेखा बाबा सेवा संस्थान झारखंड के द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में साहस वीरता और शौर्य के साथ बेहतर कार्य करने हेतु श्री सुदामा केसरी उर्फ लाला केसरी जी को भरनोरत्न गोल्डन मैन सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान राम रेखा धाम के महंत पूज्य श्री उमाकांत प्रपन्नाचार्य जी महाराज के करकमलों द्वारा प्रदान किया जाता है। संस्थान के उनके उज्जवल भविष्य की संस्थान कामना करता है। जो अभी हमारे भी सबसे बुजुर्ग हैं हमारे उस मोहल्ला में, तो पूज्य बाबा का इच्छा था कि बाबा स्वयं उनको सम्मानित करें अपने हाथों द्वारा। तो एक बार आप आ जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो फिर धर्म परिवर्तन एक बहाना है। आज के प्रजातंत्र युग में बाबू धर्म परिवर्तन के माध्यम से सत्ता में रहने के लिए मनुष्य चाह रहा है, यही हमारे लिए समस्या है। आज आप लोगों ने सब मिलकर जिस तरह का तमने हमारे भरनो में जिस तरह का तमने 30-40 साल से जो जगह तमने मुसलमानों के कब्जा में था, आज आप लोगों ने सब मिलकर इतना बड़ा जो काम कर दिए आपके शाबाशी देने योग्य है। ऐसे ऐसे जगह में हमारे जो सम्मानित किए हमारे जो सुदामा केसरी, इनको बाबा लोगों के आशीर्वाद है, ये इन्हीं से उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़े। आप लोगों ने इनको शान दें, समाज में एक ताकतवर हमारे समाज सृष्टि हो और हमारे समाज एक आदर्श समाज की तरह रहे। छोटे बड़े भेद भाव हमारे ना रखें, अपने आपस में सब मिलजुल कर हर कोई काम को निपटाने की प्रयास करें, हर कोई समस्या को हल करने की प्रयास करें, तब जो है हमारा जीवन सुख और समृद्धि में रहे। मनुष्य जीवन एक पानी की बुलबुल है। आप आज अच्छा और बुरा भगवान ने कहे कि रे मनुष्य, तुम जो भी अच्छा और बुरा करेगा वो तुम्हीं को प्राप्त होगा, इसका फल मैं नहीं लूंगा। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करता है अच्छा और बुरा, उसको फल प्राप्त होता है। इसीलिए हर समय कोशिश करना चाहिए कि अच्छा मार्ग में चलना चाहिए, साधु संतों का वाणी को समझना चाहिए। वो लोग जो आदेश करते हैं कुछ भी नहीं हो, थोड़ा सा भी एक अक्षर भी पालन करना चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदपि वशिष्यते कार्येण तत्प्रफलति सत्य साधु समागम। साधु के पास इतना ताकत है, वो इतना उसके पास है कि साधु का दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।